नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में जो वैकेंसी आई है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की, उनके बारे में। ये जो वैकेंसी है ये आई है 2/2019 बैच के अंतर्गत और इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी 2/2019 में। इसके लिए फॉर्म भरे जाने हैं जून में और आप जो डेट है वो नोट कर लेना, साथ ही अपने मोबाइल में भी रिमाइंडर लगा देना, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी आती है उसके लिए फॉर्म भरने का टाइम बहुत कम मिलता है, 5 या 6 दिन का समय मिलता है। तो आप आज वीडियो देखने के बाद ही अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा देना, कैलेंडर में रिमाइंडर लगा देना, चाहे तो डायरी में भी नोट करके रख सकते हैं कि उस तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, जिससे आप भूलें नहीं, क्योंकि अगर गलती से भी 3-4 दिन आपके निकल गए तो फॉर्म भरने का समय निकल जाता है। तो इसलिए आप डायरी में नोट कर लें इसकी डेट। आज हम बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, क्या पे है, एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है SST OBC को, उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथ ही वैकेंसी निकाली है इंडियन कोस्ट गार्ड ने और जो वैकेंसी आई है वो आई है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की, 10th एंट्री है। फॉर्म शुरू होने की डेट है 5 जून और लास्ट डेट है 10 जून। फॉर्म शुरू होंगे 5 जून से और लास्ट डेट है 10 जून। आप डायरी में नोट करके रख लेना, रिमाइंडर जरूर सेट कर लें कि आपको 5 जून को फॉर्म भरना है। अब देख लेते हैं वैकेंसी को और विस्तार से। तो इसके लिए सिर्फ इंडियन मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आप 10th पास होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ। 10th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। जो कैंडिडेट SC ST वाले हैं उनको 45% पर फॉर्म भरवाए जाएंगे, यानी उनके लिए फॉर्म भरने की जो परसेंटेज है वो है 45%। जनरल OBC वालों के लिए है 50%। इसके अलावा वो कैंडिडेट जो स्पोर्ट पर्सन है और नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन जिनकी आई है, उनको 5% की छूट मिलेगी, यानी उनके लिए भी 45% है। और जिनके माता पिता जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में थे और शहीद हो गए हैं ड्यूटी के दौरान, उनको भी 5% की छूट दी जाएगी। बात कर रहे हैं कि आपकी जॉब कौन सी रहने वाली है, तो आपकी जॉब रहेगी कुक की और स्टेवर्ड की। कुक में आपको क्या करना होगा कि आपको जो मेनू है उसके अनुसार ही भोजन बनाना होगा, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप का। साथ ही आपको मीट की हैंडलिंग भी करनी होगी, मीट प्रोडक्ट की। तो इस चीज़ का आप पहले से देख लें, अगर आप ये काम कर सकें तभी आप इसके लिए आवेदन करें। साथ ही आपको राशन का भी हिसाब किताब रखना होगा, और जो भी काम आपको दिया जाएगा उच्च अधिकारियों द्वारा वो सब आपको करना होगा। बात करें स्टीवर्ड की, तो स्टीवर्ड का काम होता है वेटर का, आपको वेटर का काम करना होगा, हाउसकीपिंग का करना होगा। इसके अलावा अकाउंटिंग ऑफ फंड्स, वाइन स्टोर्स, और इसके अलावा मीनू प्रिपरेशन, ये सब आपको करना होगा। जो भी ड्यूटी उच्च अधिकारी आपको देंगे वो सब आपको करनी होंगी। तो इसमें कुक की और स्टीवर्ड की ये जॉब है, अगर आप इसके लिए एग्री हो तभी आप आवेदन करें। एज की अगर हम बात करें तो एज है कम से कम 18 साल और मैक्सिमम है 22 साल, जो कि काउंट होगी 1 अक्टूबर 2019 को, यानी आपका जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेकर 30 सितंबर 2001 के बीच हुआ होना चाहिए। और इसमें 5 साल की छूट मिलेगी SC ST वालों को, 3 साल की मिलेगी OBC को। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर को हम देखें तो आपके फॉर्म 10 जून तक भरे जाने हैं, 20 से लेकर 26 जून तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, उसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब आप भर्ती देखने के लिए आएंगे तो अपने साथ एडमिट कार्ड की 3 कॉपी लेके आएंगे, साथ ही भरा हुआ आवेदन पत्र अगर हो तो वो भी आप लेके आ सकते हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और फोटोग्राफ लेके आएंगे जिसका बैकग्राउंड होगा ब्लू। तो ये सब चीज़ें आप लेके आएंगे। बात करें हम एग्जाम सेंटर कौन से बनाए गए हैं, तो नॉर्थ जोन में जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए बनाया गया है नोएडा को। नोएडा में जो फॉर्म सबमिट किए जाएंगे, जो कैंडिडेट आएंगे भर्ती देखने के लिए, वो आएंगे जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़। ये कैंडिडेट जो हैं इन राज्यों के, वो एग्जाम सेंटर उनका बनाया गया है नोएडा। बात करें हम नॉर्थ ईस्ट जोन की, तो उसका बनाया गया है कोलकाता। इसमें बिहार, झारखंड, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा, इनके कैंडिडेट जाएंगे कोलकाता। चेन्नई में जो है वो ईस्टर्न जोन वाले कैंडिडेट जाएंगे तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, इसके अलावा पौंडचेरी के और अंडमान निकोबार के, ये कैंडिडेट जाएंगे चेन्नई में। मुंबई में जो कैंडिडेट भर्ती देखेंगे वो देखेंगे महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, कर्नाटक के, छत्तीसगढ़ के, केरल के, गोवा के, इसके अलावा दमन दीव, दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप, ये कैंडिडेट भर्ती देखेंगे मुंबई में। नॉर्थ वेस्ट जोन की हम बात करें तो गुजरात वाले जो कैंडिडेट हैं उनका सेंटर एक ही बना है, वो है गांधीनगर। तो गांधीनगर जो सेंटर है उसमें सिर्फ गुजरात वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो जब आप एग्जाम देने आएंगे तो अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे, एडमिट कार्ड लेके आएंगे। एग्जाम होगा 6 जून 2019 में, और कैंडिडेट को उनकी हायर परसेंटेज के बेस पर ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सेंटर वाइज मेरिट बनेगी,
आप जिस राज्य के निवासी हैं उसी के सेंटर में फॉर्म भरेंगे, उसी के लिए अप्लाई करेंगे और सेंटर पर नंबर ऑफ कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा परसेंटेज के बेस पर। उसके बाद आपका होगा एग्जाम, एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग आएगी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की। ये आपका पेपर आएगा। ये पेपर जो होगा इसको अगर आप हल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पीएफटी के लिए और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें एक बात और हम आपको बता देंगे, जो पीएच कैंडिडेट हैं यानी दिव्यांग कैंडिडेट हैं वो इस भर्ती के लिए पात्र नहीं है, तो वो आवेदन न करें। पीएफटी जो होगा उसमें 1600 मीटर की रेस होगी आपकी, 7 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी, 20 उठक बैठक होंगी, स्क्वाटअप्स, 10 पुशअप्स होंगे, और ये सब आप अपने रिस्क पर करेंगे। जब आप पीएफटी के लिए आएँ तो पीटी शू वगैरह लेके आएँ, क्योंकि इससे आपको आसानी रहेगी। जो कैंडिडेट पीएफटी क्वालिफाई कर जाएंगे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनका होगा फिर मेडिकल, और जो कैंडिडेट मेडिकल में पास हो जाएंगे उनको मेरिट की बेस पर ही INS चिल्का में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। जब आप ज्वाइन करने जाएंगे उस टाइम भी आपका फाइनल मेडिकल होगा, और उस दौरान अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो प्री मेडिकल आपका यहाँ हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पास हो जाते हैं तो उसके बाद जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका दोबारा मेडिकल होगा। और डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाने हैं आप फिर सुन लीजिए। 3 एडमिट कार्ड की कॉपी लेके जानी है, ओरिजिनल 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट लेके जानी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सब लेके जाएंगे एजुकेशन के, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे अगर आप SST OBC वाले हैं, EWS वाले हैं यानी 10% कोटा वाले हैं तो वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र ले जाना अनिवार्य होगा, फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है कोई भी एक, जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब आपको लेके जाने हैं, और जो भी आप क्लेम कर रहे हैं वो सब सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे, और 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लेके जाएंगे। अगर हम बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या मांगे गए हैं इस भर्ती में, तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और इसमें रिलैक्सेशन एज पर रूल दिया जाएगा। चेस्ट की हम बात करें, चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फलाव होना चाहिए, और ये हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वजन भी आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हियरिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, और आपको सलाह दी जाती है कि जब आप भर्ती देखने के लिए आएंगे तो कानों से वैक्स और दांतों से टाइटर साफ करके आएंगे। बात करें विजुअल स्टैंडर्ड की, तो बैट आई 6x36 तक और वर्स आई 6x36 तक अलाउ है, यानी इसमें चश्मा वाले कैंडिडेट अलाउ किए गए हैं। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आप ये भर्ती देख सकते हैं, लेकिन आपकी आई साइट 6x36 तक ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टैटू की हम बात करें, तो टैटू परमानेंट टैटू कहीं भी अलाउ नहीं है सिवाय हाथों के, हाथों के भीतर की साइड में आपका ये अलाउ है। तो ये बात हो गई मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। अगर हम बात करें ट्रेनिंग की, तो जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी INS चिल्का में, सी ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद आपकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी एलोटेड ट्रेड की। अगर आप ट्रेनिंग के दौरान अनसुटेबल पाए जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी 21,700 प्लस अलाउंस आपको मिलेंगे। और प्रमोशन की हम बात करें, तो आपके पास प्रधान अधिकारी यानी 47,600 वाले गेट तक पहुंचने का मौका होगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, साथ ही अगर आप कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास अधिकारी बनने का भी मौका होगा। तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी 21,700 प्लस अलाउंस जो भी है वो आपको मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आप जाएंगे www.joinindiancoastguard.gov.in पे 5 जून से लेकर 10 जून के बीच में, और 10 जून को शाम को 5 बजे फॉर्म एंड हो जाएंगे। तो 5 से लेकर 10 जून तक आप अप्लाई करेंगे। फॉर्म भरते समय आपको ध्यान देना है कि आप अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वही लिखेंगे जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है, और 10th क्लास की आप एग्जैक्ट परसेंटेज लिखेंगे, 2 डेसिमल तक कोई भी राउंड ऑफ नहीं करेंगे। आपको एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, आप उनमें से वही सेंटर चुनेंगे जो आपके राज्य का सेंटर है, आप कोई दूसरा सेंटर नहीं चुन सकते हैं। आपको करना क्या है कि आपको जाना है joinindiancoastguard.gov.in पे, वहाँ क्लिक करना है अपॉर्चुनिटी पर, और ये जो लिंक है ये 5 जून को ही उपलब्ध होगा, उससे पहले उपलब्ध नहीं होगा। तो 5 जून से लेकर 10 जून के बीच में आप यहाँ जाके क्लिक करेंगे अपॉर्चुनिटी पर, वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा नाविक डीबी 10th NT 2x2019 बैच, वहाँ नाविक डोमेस्टिक ब्रांच पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपने सारे फॉर्म भरेंगे। तो इस तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आप उसका प्रिंटआउट निकलवा के अपने पास अवश्य रख लें। इंपॉर्टेंट डेट आप फिर सुन लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है 5 जून और लास्ट डेट है 10 जून। 5 जून से लेकर 10 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। साथियों, मैं उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।